السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ باعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله وغوثنا الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سلطان الأولياء سيدنا معين الدين حسن سنجري أجمري وعلى سلطان العارفين سيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. मातरम बुज़ुर्गों और मौजूद सामिन किराम, पिछले जुमा हमने 51 आयत की तफ़सीर की थी सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है कि और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया था, फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यानी उनके जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया था और वाकई तुम बड़े ज़ालिम थे। फिर उसके बाद अब आगे अल्लाह तबारक तआला का इरशाद पाक है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा आफ़ौना अनकुम मिन बाद ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने इसके बाद भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब बात बनी इसराइल की तरफ ये है कि हमने तुम्हें माफ़ किया अगरचे कि तुमने इतना बड़ा जुल्म किया, और ऐसा जुल्म यानी शिर्क किया, और शिर्क जुल्म अज़ीम है। उसके बाद अपने आफ़ की अपने माफ़ी का जिक्र फरमाया कि उसने अल्लाह ताला ने माफ़ किया सुम्मा आफ़ौना, फिर हमने माफ़ कर दिया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इस की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा आफ़ौना के मुतालिक फरमाते हैं तरकना कुम अलम नस्तअसलिकुम, यानी हमने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे को बर्बाद नहीं किया। मिन बाद ज़ालिका, इस आयत के इस हिस्से के मुताबिक फरमाते हैं कि मिन बाद इबादतिकुम अल-इजल, यानी तुम इजल यानी कैफ की यानी बछड़े की तुमने पूजा की, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सुभानअल्लाह, लकै तशकुरू अफ़ा, यानी ताकि हमारी रहमत का शुक्र अदा करो, यानी जो हमने माफ़ी दी तुम्हें उसका शुक्र अदा करो। तो हम इसके मुतालिक चंद बातें अर्ज करेंगे। सुम्मा आफ़ौना अनकुम, फिर हमने माफ़ कर दिया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ही है जो सबको माफ़ फरमाता है, और अफ़ सज़ा के बाद होता है, यानी माफ़ी सज़ा के बाद भी हो सकती है, सज़ा से पहले भी हो सकती है। माफ़ कर देना, किसी को सज़ा देने के बाद माफ़ कर देना, या सज़ा देने से पहले माफ़ कर दिया, भाई ठीक है मैं माफ़ कर दिया ये, और बखिलाफ गुफरान के यानी फॉरगिवनेस बख्शिश के, उसमें यह है कि पहले सज़ा है, उकूबत है, उसके बाद माफ़ी है, इसको गुफरान कहते हैं। और फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो उकूबत का मुस्तहिक हो फिर उसे सज़ा न दी जाए, नहीं दी गई तो उसे माफ़ किया गया। ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला अपने करम से सज़ा के बगैर माफ़ कर दे। तो और अलाफ़ो के माने हैं कि मिटा देना, गुनाहों को मिटा देना, यानी हमने तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया, ये माने इसके आ रहे हैं। और अफ़ दरअसल अल्लाह तबारक ताला बहुत पसंद फरमाता है, अफ़ यानी माफ़ी को, और बंदों के अंदर भी, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला का इरशाद पाक, अल्लाह ताला के नबी आकाद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तखल्लकुकुम बि अखलाकिल्लाह, तुम अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। क्या बात है कि ना माफ़ करो, माफ़ी बहुत नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा, ये फिर आप ये बहुत बुरी बात है। हाँ, ऐसा बहुत ही कोई माफ़ी मांग रहा है तो उस वक्त माफ़ी माफ़ कर दें। और अल्लाह तबारक ताला जैसा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़ा फ़ाफ़ु अन्ना, या अल्लाह बेशक यानी तू माफ़ी को पसंद फरमाता है, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दे। तो माफ़ी बहुत, ये आफियत बख्शना यानी उसको बेनियाज कर देना, यही बात है।
मिन बाद जालिक, यानी उसके बाद, यानी बछड़े की इबादत के बाद भी अल्लाह तबारक तआला ने माफ़ फरमा दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जो असल जो यह अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, यानी तुम शुक्रगुजार नहीं हो, तुम्हारे पर इतनी नियामतें दी गई मगर तुम शुक्रगुजार नहीं। अगरचे के मैसेज बनी इसराइल के लिए, लेकिन ये तमाम कायनात के लिए है, हर एक के लिए, कि हम नेमतों का शुक्र करें। और शुक्र क्या चीज़ है? हम तो कहते हैं शुक्रगुजार, लेकिन मालूम भी हो कि हमें शुक्र क्या है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुक्र के माने जाहिर करना, यानी दाबतुन शुक्र उस जानवर को कहते हैं जो बहुत ही खा पी के मोटा हो जाता है, तो यानी एक जाहिर हो रही, उससे दाबतुन शुक्र कहते हैं। और शुक्र की हकीकत यह है कि किसी इंसान की उस नेकी और अच्छाई की तारीफ करना जो उसने तुम्हारे साथ की है, किसी ने अगर तुम्हारी मदद की है तो उसकी तारीफ करना, यही शुक्र है। और इस जैसे अब आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब सूरह फातिहा की हमने तफसीर की थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मुतालिक का ये हमद शुक्र और कई चीज़ों को ये समेटा हुआ है। हमद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कोई चीज़ अच्छी हो जाती है हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्रिल्लाह क्यों नहीं कहते? यानी शुक्र अल्हम्द के अंदर ही समेटा हुआ है, तो तारीफ करना चाहिए। अगर कोई एहसान करता है हम पर इंसानों में, तो हम भी उसकी तारीफ करें। अल्लाहु अकबर। इमाम जौहरी और इमाम जौहरी के कौल को नकल करके फरमाते हैं कि अशुक्र का मतलब मोहसिन पर उसकी अच्छाई की वजह से तारीफ करना जो उसने तुम्हारे साथ किया। और सरकार दोनों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने और अबी दाऊद ने नकल किया। सरकार फरमाते हैं ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, वो अल्लाह का शुक्र गुजार नहीं जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं। द पर्सन हु डज नॉट थैंक पीपल डज नॉट थैंक अल्लाह सुबहान व तआला। अगर किसी ने आप पे एहसान किया तो आप उसका शुक्र अदा करें। और इसके मुतालिक इमाम खताबी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को नकल करते हैं इमाम खुर्तुबी के, इसके दो माने हैं। एक ये कि जिसकी तबीयत में नाशुक्री होती है, कि नेमत मिलने पर शुक्र अदा करना, किसी ने आपको कुछ किया तो नेमत मिलने पर शुक्र अदा करना, शुक्र अदा नहीं करने की एक बीमारी होती है, एक तबीयत में एक खासियत हो जाती है, आ जाती है कि इंसान इधर आ जाए। तो नेमत मिलने पर बस की आदत होती है, शुक्र अदा नहीं करते, तो वो दरअसल एक ऐसी मार है कि वो दरअसल अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे पर जो एहसान किया, फिर वो बंदा अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा कर रहा है, तब अल्लाह तबारक ताला वो शुक्र को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया। तो वो जो नेकी उसने अल्लाह की बारगाह में तो शुक्र अदा करा, लेकिन किसी ने एहसान किया बंदों में और उसने उसका शुक्र अदा नहीं किया, तो वो जो उसका शुक्र है रुका हुआ है अल्लाह के दरबार में। इसीलिए कहते हैं ना, बाज़ वक़्त हमारे जो बुराइयां हैं हमें पता भी नहीं चलते, हमारे नेकियों की आड़ आ जाती हैं, हमारे कज़ाए हाजात के दरमियान हायल हो जाते हैं। क्यों हायल हो जाते हैं? कि हमने कोई ऐसी चीज़ की है कि अल्लाह तबारक तआला वो चीज़ को कबूल नहीं कर रहा है। ये भी एक वजह हम अपनी तरफ अपना मुहासबा करें कि ऐसी क्या चीज़ है कि बाज़ काम मेरे बन नहीं रहे हैं, ऐसी हालात क्यों हैं मेरे। तो ये चीज़ों के ऊपर भी हम गौर करना चाहिए। यही बात इमाम ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और शुक्र के माने में उलमा की इबारत है, एक कहा तो सुहैल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुक्र का मतलब सिर्रन और अलानियतन, यानी ओपनली और सीक्रेटली उसको जाहिर मासियत से इज्तनाब करना, बुराइयों से इज्तनाब करना, और साथ ही साथ इताअत की अदायगी का नाम है। कि बुराइयों से बचना, हर वो मासियत से बचना, अल्लाह तबारक तआला की डिसोबीडियंस नहीं करना, यानी नॉट बी डिसोबीडियंट ओबीडियंट टू अल्लाह सुबहान व तआला, और उसके साथ साथ नेकी करते रहना सुबहान अल्लाह। और एक और गुरु फरमाता है कि इनाम करने वाले शुक्र का मतलब इनाम करने वाले के शुक्र की बजावरी में तकसीर का एतराफ़ करे। अगर किसी ने
इनाम किया आपके ऊपर, समवन हैज डन अ फेवर टू यू अपने अंदर, वो चीज कहना कि आई वॉज इनेबल टू डू दैट, उसको रिकोगनाइज करना कि किसी ने, अरे भाई मेरी हालत थी, जैसे आज से आपको याद होगा कुछ साल पहले मेरे हालात तो कुछ ऐसे थे कि मैं नौकरी में थी, दो ढाई साल बेरोजगार रहा, हर के ऊपर गुजरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ईमान में और पुख्तगी दे दी थी, उसका करम है, सरकार मदीना के नालायन का सदका है। अल्लाह एक बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाया करते थे, अब नए आ रहे जीलानी साहब, उन्होंने मुझे नौकरी दी थी और बड़ी मेरी मदद फरमाई थी, अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। तो अब ये चीज़ें कि जाहिर करें, और उस वक्त ये नहीं कहा हाँ उनको ज़रूरत थी उनकी, ये गलत बात है, उनको ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपनी इनेबिलिटी का इजहार करें कि मैं नहीं था, अगर आप होते तो ये, अगर आप नहीं होते तो मेरा काम नहीं बनता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है, अल्लाह तबारक वो चीज़ को नापसंद करता है। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ा जो हम पर एहसान है अल्लाह के बाद सरकार दौम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है, हम अदा कैसे कर सकें उनका, इसीलिए हम क्या करते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्ले के माने तारीफ के भी आते हैं, सलात के माने तारीफ के भी आते हैं, इन्नल्लाहा मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी, कि अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। बाज़ों ने रहमत के लिए, बाज़ों ने कहा रहमत अलग चीज़ है, सलात के माने तारीफ के भी आते हैं। आला का जब लफ्ज़ आ जाता है ना, अला जब आता है तो ये तारीफ़ के आते हैं, तो हम ये कहते हैं या अल्लाह नबी पाक की तू तारीफ़ फरमा, हम तो तारीफ के, जैसा कि गालिब ने कहा कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दान गुज़ाश्तें कहाँ ज़ात पाक के मरतबा दान मोहम्मद अस्त, अरे गालिब अपने आका की, अपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ तो अल्लाह पे छोड़ दी, यानी दुरूद शरीफ पढ़, कहाँ ज़ात पाक के मरतबा दान मोहम्मद अस्त, कि सरकार दोनों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को क्या जाने तू, कैसे तारीफ करेगा, ला यमकुनु सुना कमा काना हक़हु, कोई उनकी तारीफ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह तबारक तआला के, बादस खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो हम उसके बाद माँ बाप का एहसान हम याद करें, अपने पड़ोसियों का भी करें, अपने अब पर जो किए हाथ ख्वाजा निज़ामुद्दीन में हुए इलाही की शान तो ये थी कि किसी ने उनके दस्तार शरीफ पे से एक टीका हटाया था तो उम्र भर उसका शुक्रिया अदा करते थे, तो फला दिन मेरे क्या बात, वो शर्मिंदा हो जाता, हुजूर आपके लंगर का खाता हूँ, पलता हूँ, सब करता, कहा नहीं वो तूने एहसान किया था मुझ पर। तो हम भूल जाते हैं, डकार भी नहीं लेते अगर कोई एहसान हम पर करता है तो, और ये अल्लाह तबारक तआला नापसंद करता है, उसके करीब हम अगर उसका लाख एहसान का हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल नहीं करेगा। क्यों, ला यश्कुरुल्लाह मन ला यश्कुरुन्नास, आकाए दो जहां फरमा दिए कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता, चाहे कोई भी हो हम शुक्र अदा करें। यही बात है हाते दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इसको वाक़े को नकल किया है इमाम कुर्तुबी ने कि या रब मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूं, यानी जब शुक्र करता हूं तो शुक्र खुद एक नेमत है, नेमत पर शुक्र करना है और शुक्र खुद मुझे नेमत दिखती है। देखिए सुभान अल्लाह कैसी गहरी बात है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ऐ दाऊद तूने शुक्र अदा कर दिया, क्योंकि तू जान गया, तुझे मारिफत हासिल है इस चीज की कि शुक्र भी एक नेमत है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तब वो हाते दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या अल्लाह मुझे ऐसी चीज बता जो मख्फी है, जिसको मैं सोचता भी नहीं हूं और जो तेरी बड़ी नेमत है। कहा कि दाऊद सांस ले, सांस लिया, कहा छोड़, भाई ये दो नेमतें हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कौन है जो रात में रात दिन में इसका शुमार कर सके, क्या शुमार कर सकते हैं? ये दो नेमतें जिंदगी की डोरी को दराज कर रहे हैं। शेख सादी ने फरमाया ना, हर नफसे के फिरोमी रवर उम्मीद हयात, हर जो नफस जो अंदर जाती है, सांस जो अंदर जाती है, एक हयात की डोरी दराज करती है और वो जो छोड़ती है वो भी दराज करती है। बस हर नफसे के शुक्र वाजिब, हमें चाहिए कि हर नफस पर, हर सांस पर, हर बीज जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या कर सकते हैं? इन ताउदु नेमतुल्लाहि ला तुहसुहा, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहोगे तो तुम नहीं कर सकती हो उसे। सुभान अल्लाह, ये तमाम चीजें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, क्योंकि छोटी सी नेमत जो तूने अपने नेमतों से मेरे हाथ में रखी है अल्लाह अकबर, मेरे सारे आमाल उसका बदला नहीं दे सकती। तो भारत आका अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि वही फरमाया मेरे साथ तूने शुक्र अदा कर दिया, कि एहसास करे कि शुक्र है।
अल्लाह अकबर। इसी तरह हाते जुनेद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसको भी इमाम कुर्तुबी नकल करते हैं कि मैं छोटा था, खेल रहा था, मेरे मामू यानी हाते सिरी सकती अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की मजारात मुकद्दसा पे हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत ऊपर जाके मुर्शिद भी होते हैं, हाते जुनेद बगदादी इमाम ताइफा है, कहते हैं कि मैं 7 साल का था, खेल रहा था, कुछ लोग आकर हाते सिरी सकती से सवाल कर रहे थे कि शुक्र के मुतालिक, तो हाते सिरी सकती रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाते जुनेद की तरफ नजर की और फरमाया कि बच्चे बोल शुक्र क्या है। अल्लाह अकबर। हाते जुनेद बगदादी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों की वजह से उसकी नाफरमानी नहीं करना। अल्लाह अकबर। नॉट टू डिसओबे अल्लाह इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लेसिंग। अल्लाह तबारक तआला जब तुझे नेमतें देता है तो गुरूर में मत आ जा और नाफरमान मत हो जा। जब इंसान के पास गाड़ियां आ जाते हैं, बंगला आ जाता है, तो इंसान इबादतें करने छोड़ देता है। अब टाइम नहीं है उसके पास, वक्त नहीं है, जुमे को भी टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर सलात, दिस अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह, कितना ऐसा टाइम। उसके पास टाइम मां बाप के लिए नहीं है, उसके लिए टाइम औलाद के लिए नहीं है, युद्ध और क्या करे, मासियत में आ रहा है, ना औलाद की तरबियत हो रही, ना मां बाप की खिदमत हो रही, ना अल्लाह तबारक तआला की बंदगी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला दे दिया। इन्ना इंसान अल्लाह यतगा, इंसान तुगयानी में आ गया, सरकशी में आ गया, रेबेलियस हो गया अल्लाह तबारक तआला अनराज़, जब देख रहा है अपने अंदर कि मेरे पास, मैं बेनियाज हूं, मेरे को बहुत कुछ है मेरे पास, आई गॉट मनी मैन, आई गॉट दिस मैन, आई गॉट, ये नहीं देख रहा इनामत को, देख रहा मगर मुनइम को नहीं देख रहा, किसने अता किया, अल्लाह ने अता किया, अजबाब को देख रहा लेकिन मुसब्बिब को नहीं देख रहा, और अपने अंदर कह रहा कि आई एम द बेस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी, बिकॉज ऑफ माई स्मार्टनेस, बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट दिस, ये नहीं कर रहा कि देने वाली जात कौन है। मेरे बुजुर्ग भाई हैं हजरत जलालुद्दीन खादरी मद्दज़िल्लाह अलैह, अल्लाह उनको सलामत रखे, किसी ने ऐसी कहा भाई मैं अपनी मेहनतों से ये कहा कि अच्छा आपकी मेहनत की बता रहे हैं, हमारे पास अफजलगंज करके एक मकाम है जहां लोग बहुत काम करते हैं, हमाली करते हैं, वजन वजन उठाते, बोले खाली एक दिन जाके उनका मुशाहिदा करो, उसकी 5% तो मेहनत नहीं करते। ये अल्लाह तुम्हारे को ताला का करम है कि अल्लाह तुम्हें इनायत कर दिया और तुम अपने अंदर देख रहे हो एबिलिटी, तुम अपने से एक कौड़ी कमाने के लायक नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तो ये लअल्लकुम तशकुरून कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। सुभानअल्लाह। तावीलात नजमिया में इमाम इस्माइल हक बरोसवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर रुहुल बयान में तावीलात नजमिया के हवाले से जो हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुरीद हैं हज़रत अम्मार यासिर के, और वो मुरीद हैं शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के, और वो मुरीद हैं अबू नजीब अबुल काहिर सुहरावर्दी के, और वो मुरीद हैं सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो उनकी बड़ी अकवाल हैं कि बरंगे तसव्वुफ़ बयान करते हैं कि शुक्र 3 तरह से अदा होता है, एक अकवाल से, एक आमाल से, और एक अहवाल से। अकवाल से ये कि हर वक्त अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करे और तुम पर जो शुक्र किया, जो नेमत दिया, जो फेवर किया, उसका शुक्र अदा करने में कंजूसी मत करो। और आमाल से कि हमेशा अल्लाह तबारक किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है तो तुम उसका एहसान का बदला चुकाते रहो, ये मत समझो कि मैंने एहसान अदा कर दिया। और तीसरा ये है कि अहवाल अपने हाल के अंदर, अपने दिल के अंदर ये समझे हमेशा शुक्र की कैफियत लाओ, हल्कि हमेशा शुक्रगुजार बनो, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें अदा करेगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीक मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़ुल्हिज्जा के मुताल अर्ज़ करूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला वलायालिल अश्र फरमाया, वलायालिल अश्र यानी कसम खाइए 10 दिनों की, कुरान में सूरह फज्र की फरमाते हैं कि ये 10 दिन दरअसल ज़ुल्हिज्जा के, और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़ा रहा करते थे, और ये नफिल है जो रहता है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पाक भी है कि ये ज़िलहज्जा के 10 दिन में जो नेकियां हैं आम दिनों की नेकियों से बहुत बढ़ के हैं, अल्लाह तबारक तआला ने उसका बहुत सवाब रखा है, और 7, 8, 9 बड़ी मुकद्दस दिन हैं, अगर रोज़ा रखें तो रहें इंशाल्लाह, हम इसके मुतालिक अर्ज करेंगे। और जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं, जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं, उनके लिए ये मुस्तहब है अहनाफ के पास कि वो अपने नाखून बाल वगैरह ना काटें, और जो हज कर रहे हैं उनके लिए वाजिब है कि वो नाखून और बाल वगैरह ना काटें, बल्कि उससे पहले जो भी सफाई अपनी हो सकती कर लेना चाहिए जो वाजिब है। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह जो तूने नेमतें अता किया है मेरे मालिक, हम उसका तो अहाता नहीं कर सकते, या रब्बुल आलमीन हम शुक्र अदा करते हैं, और जो जो हम पर एहसान किए हैं मेरे मालिक, हम तो उनका एहसान का बदला नहीं दे सकते, तो अपने करम से, फ़दल से, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से उनको अदा कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह दौरान तखरीर अगर कोई
गलती हो जाए, मेरी अपनी गलतियां हैं मेरे मालिक, या अल्लाह हमने कोई ऐसी गुनाह की है जो आपकी नज़र में हो या मखलूक की नज़र में हो या हमारी अपनी नज़रों में, या अल्लाह अपने ज़िम्मे करम पर लेकर माफ़ फरमा दे। आमीन बिजाहन नबील अमीन व बिहरमत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलाग़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।